हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं साइतामा वर्सेस कोज्मी कारो। ये आपको ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगी रेड हेड गाय नामक यूट्यूब चैनल पे नामक। पहले यार मेरा कोई प्लान नहीं था देखने का, मुझे लगा स्पॉइलर मिल जाएंगे, पर मांगा के इतने ज़्यादा स्पॉइलर मिल चुके हैं तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। कंपेयर ही कर लेंगे एनीमे और फैन एनिमेशन में कितना फ़र्क है। कहाँ से शुरू हुई यार ये? साउंड नहीं है, मतलब सब टाइटल ही आएंगे। नहीं, इसके पहले की स्टोरी नहीं मुझे देखनी कन्फर्म। ब्लास्ट ब्लूस्ट जो आया है, हाँ इसने जैनस का हार्ट निकाल लिया था ना, वो मैकेनिकल हार्ट। अच्छा ये वाले सीन नहीं होंगे जिसमें जैनस का हार्ट निकाल दिया था। ब्लास्ट के बारे में नहीं मुझे पता है। हाँ तुम अभी नोटिफिकेशन भेजो सारे के सारे। इसका यह फेस कितना बढ़िया लगता है, जैसे यूनिवर्स का वो नहीं होती पूरा का पूरा गैलेक्सी, हाँ वैसा लगता है। डोंट कम क्लोज भाई। गुड्डा मार दिया क्या? इसका नहीं पता था मुझे। चलो छोटे मोटे स्पॉइलर का कुछ नहीं होता। जैनस का हार्ट, जैनस ही है एक बंदा जिसकी केयर करता है दिल से अपना साइतामा। हर एक फाइट के बाद जैनस की हालत यही होती है, पीस में सर अलग बाहें अलग। वी आर बेस्ट फ्रेंड दो। फर्स्ट टाइम सीरियस होगा यहाँ पे ना। साइतामा ने पहली बार कुछ अपना खोया है, खोया तो नहीं उसे लगा खोया है। ब्लैक रेन है क्या? इसको भी मार दिया क्या? कौन है इसका नाम? तसुमिकी की क्या नाम है यार इसका? वो टोर्नेडो, ये एटोमिक स्लैसर। श्योर डोंट सीम लाइक इट। ये सीरियस पंच। किलर मूव, किलर सीरीज, किलर सीरीज शुरू कर दी थी भाई। रुक जाओ, मैंने नहीं सोचा था ऐसी एनिमेशन होगी। रुक जाओ जरा, ये तो पूरा रुख ही चेंज हो गया। तो फैन एनिमेशन भी बढ़िया होगी। तो रेड हेड गाइस, साइतामा को चिढ़ाने के लिए नाम रखा है क्या? नहीं करी है ये। लास्ट नहीं क्या किया भाई, बस सीधे स्पेस में ले गया। मांगा मैंने पढ़ी नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है मैंने जो एक्सप्लेन करती है मांगा वाला। तो ब्लास्ट का इतना देखा नहीं है मैंने। ये कौन है? मॉन्स्टर्स हैं? ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि मैं मांगा के इतना फैन हूँ नहीं। मांगा पढ़ने में मुझे इतना कुछ समझ आता है। ये मून है क्या? मून था ना ये, पृथ्वी तो नहीं थी, मून था। इतना बड़ा क्रेटर अर्थ पे ये कोलिजन हो जाता तो पूरी अर्थ खत्म हो जानी थी। ब्लास्ट ने अच्छा हुआ टाइम पे टेलीपोर्ट कर दिया। ब्लैक होल आ गया क्या? नहीं नहीं अच्छा एनर्जी है। व्हाट हैपेंड टू डोर टू? ये कहाँ पहुंच गया अब? ये कौन सा प्लेनेट है? मून, मून है क्या? पीछे तो जुपिटर है भाई। लीक्स आ रही थी कि वो अपना मापा कर रहा है एनिमेट सीजन 3 को।
उसी की एनिमेशन यार बढ़िया हुई। ये वाले स्पॉइलर मुझे पता है जो आगे आने वाले हैं। साइतामा की यही बात सुन रहा है कि कुमार दी भाई एनर्जी को। गारो की भी गारो स्पेस टाइम को भी चेंज कर सकता है क्या? ये मूव बढ़िया है क्या कि इसने ये गया पोर्टल खोल दिया उसने। साइतामा के साइतामा भी सुध यिन यान। सोनी कर चुका है ये ट्राई, तुम मत करो। और ये लाइट की स्पीड से पोर्टल चेंज करके भाई, पोर्टल खोल के चेंज करके नहीं। और गारो की भी वो पावर है, वो इक्वल वो कर सकता है, जैसे सीरियस मंथ मारेगा तो गारो भी उसकी पावर को वो करेगा। समझ रहे हो ना, जिन्होंने मांगा पड़िया वो समझ जाएगी। चलो यार फाइनली क्लोथ तो फटे। कुछ तो हुआ शायद हमारे के साथ। और ये मुझे मूव पता है, किलर मूव, सीरियस सीरीज भाई, पूरा टेबल फ्लिप कर दिया था उसने। टेबल फ्लिप करने से मूव का नाम पूरा का पूरा मून का क्रस्ट उठा दिया उसने भाई। कितनी पावर चाहिए। गंजा कर दिया भाई। एनिमेशन को मानना पड़ेगा भाई, एनिमेशन तो बढ़िया थी। 10 एनिमेशन के हिसाब से ना 10 out of 10 सच बोल तो ब्रूटो से बढ़िया एनिमेशन जा रही है। इंपैक्ट भाई, पिंग पोंग गेम नहीं होती वो बन गया ये तो। लाइट से भी ऊपर वाली स्पीड जा रही है इसलिए तो। नेक्स्ट और भी 2-4 मूव हैं अभी। पूरा का पूरा यूनिवर्स हिल रहा है इसलिए तो। उसका पोर्टल यूज कर लिया, कहाँ गया? गारो को भी मानना पड़ेगा भाई, वापिस आ रहा है सीधे। इस प्लैनेट ने क्या बिगाड़ा था भाई तुम्हारा? प्लैनेट है क्या मून है पता नहीं। हाँ कॉपी कर सकता है वो। वो साइतामा भी हर मूव के साथ पावरफुल होता जाता है। जुपिटर आ गया, तुम्हें पता है क्या आने वाला है? अच्छा उसके यार जुपिटर के मून कौन सा नाम, क्या नाम है यार इस मून का? नाम भूल गया मैं मून का। चलो जुपिटर के मून के ऊपर थे साइतामा, और पावरफुल हो रहा है ना। साइतामा और पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे। काउंटर पे काउंटर। अच्छा ये ग्राफ देखा था मैंने, वो काउंटर करेगा बस साइतामा और पावरफुल और पावरफुल होता जाएगा। कोई मैच नहीं है भाई साइतामा का। कहाँ रह गया गारो, कहाँ पहुंच गया द गोड लेवल। गारो तो सच में कंप्लीटली लेफ्ट बिहाइंड हो गया। अब अभी तुम्हें ठंड लग रही है। डैम यू,
कैसे लड़ोगे यार तुम साइतामा के साथ? नेक्स्ट विलन कौन आएगा? गोड? गोड के बारे में सुना है मैंने। ये साइतामा की स्नीज यार यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। जुपिटर से पूरा पूरा एटमोसफेयर उड़ा दिया यार। जब असली में एनिमेट होगा तो कैसा लगेगा? कोर सामने आ गया जुपिटर का। जुपिटर पता कितना मैसिव है, हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट में मिला दें तो वो जुपिटर से छोटे होंगे। दिस इज इनसेन। गारो की हंसी है। अच्छा, अभी तक उसने वो जेनस का हार्ट नहीं छोड़ा, ये डिटेल बढ़िया है। सन के पास ले जा रहा है। Found it. See the sun में। तो यहाँ से टेलीपोर्ट हुआ और विजन देखो रियल कुछ भी है। साइतामा को नहीं कर सकते यार तुम कुछ। अच्छा भाई मुझे लगा था ये भी पता है भाई, फाट के साथ सीधे लाइट से ज़्यादा स्पीड थी इस वक्त। सन से इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया, सन की लाइट को भी पहुँचने में कुछ 7 मिनट लग ही जाते हैं मुझे लगता है, पता नहीं कितना लग गया। दारू खत्म, नेक्स्ट विलन गोल्ड। मज़ा आ गया यार। अब बस देखना है कि मापा स्टूडियो से कैसे एनिमेट करता है। अगर मापा स्टूडियो से एनिमेट करेगा और यार कौन भी कर सकता है, इतने सारे स्पेस के सीन यार मापा ही कर सकता है इसे। और भी स्टूडियो हैं पर जल्दी से जल्दी यार सीज़न 3 चाहिए, कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं इसका। फ़ैन एनिमेशन के हिसाब से तो यार रेड हेड गाय को मानना पड़ेगा। फ़ैन एनिमेशन के हिसाब से 10 of 10 एनिमेशन थी ये। मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने इससे बढ़िया फ़ैन एनिमेशन देखी होगी। इतनी लंबी वीडियो, छोटी देखी है पर इतनी लंबी वीडियो पूरी की पूरी फाइट सीन की। और गाइज यार अगर आप ये एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना नेक्स्ट मैं किस चीज़ पे रिएक्ट करूँ। तब तक के लिए बाय।